नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5000 दरोगा भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में 5000 पदों पर दरोगा की भर्ती होनी है, विज्ञापन जल्द जारी होगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि यह भर्ती पुनः लटक गई है। नियमावली में संशोधन होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। किस महीने में विज्ञापन जारी होगा इसके बारे में सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 5000 दरोगाओं की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल टली। भर्ती प्रक्रिया टलने का क्या कारण है? भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा? एक एक बिंदु पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। न्यायालय की ओर से तय की गई गाइडलाइन के अनुसार उपनिरीक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन होना है। ऐसे में आगामी मार्च से पहले इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि मार्च में भी विज्ञापन जारी नहीं होगा और अप्रैल में भी विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो आखिरकार विज्ञापन किस माह में जारी होगा? तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की मार्किंग को लेकर कुछ संशय था। 2016 दरोगा भर्ती प्रक्रिया में अंकों की गणना को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे और न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय का कहना था कि अंकों की गणना किस आधार पर होगी इसका निर्धारण शासन करेगा, जबकि भर्ती नियमावली में यह अधिकार भर्ती बोर्ड को दिया गया है। न्यायालय के रुख के बाद नई भर्ती प्रक्रिया में कोई विवाद न हो इसके लिए भर्ती नियमावली में ही संशोधन का निर्णय किया गया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। कैबिनेट से नियमावली में संशोधन के बाद दरोगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो जब प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से प्रस्ताव पास होगा, तब जाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप ही अनुमान लगाइए कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। आप सोचिए कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती का विज्ञापन मई या जून में जारी होगा। 101% दावे के साथ कहता हूं, जो भी जानकारी मैं देता हूं ऑथेंटिक देता हूं, मई 2020 या जून 2020 में विज्ञापन जारी होगा, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।